بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يحلفون بالله لكم ليرزوكم والله ورسوله أحق أن يرزوه إن كانوا مؤمنين أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَنْ يُحَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا ذَلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم سورہ توبہ میں منافقین کا ذکر چل رہا ہے اور ایک بڑی عجیب بات جو نفاق کی نشانی ہے اور بندہ کم از کم اپنے آپ کو جانچ سکتا ہے اللہ اس موذی مرض سے بچائے اور وہ یہ ہے فرمایا یہ منافقین جو ہیں یہ اللہ کی قسمیں اٹھاتے ہیں اے مسلمانوں مومنوں اے ایمان والوں تمہارے لیے تمہیں خوش کرنے کے لیے لیرزوکم تاکہ تم ان سے راضی رہو یعنی بظاہر وہ پوری کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کو سمجھ نہ آئے لوگ ہم سے خوش رہیں یہاں تک کہ اللہ کی قسمیں بھی اٹھاتے ہیں کہ نہیں جی ہم مسلمان ہیں ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے تابعہ دار ہیں حالانکہ وہ ہوتے نہیں چاہتے ہیں کہ لوگ خوش رہیں ہمارے عہد کے علماء اور مفسرین نے ایک عجیب مسئلہ یہاں لکھا ہے کہ لوگوں کو خوش رکھنے کے لیے یا ان کے لان تان سے بچنے کے لیے جھوٹ بول کر فتویٰ لے لیتے ہیں یا بیان بدل کر فتویٰ لے لیتے ہیں بعض اوقات ہمارے بعض مفتیان کرام جن کا مقصد صرف دنیا حاصل کرنا ہوتا ہے خود انہیں سمجھاتے ہیں کہ اس طرح نہ کہو اس طرح کہو تو میں جواز کا فتویٰ دے دیتا ہوں اب وہ لوگوں کے سامنے تو وہ فعل جائز ہو جاتا ہے لیکن یہ منافقت ہے کہ اللہ کی نافرمانی کی جائے اللہ کے رسول کی نافرمانی کی جائے کام شریعت کے خلاف ہو جانتے ہوں ہمارے یہاں گاؤں میں ایک اس طرح کا مسئلہ پیش آیا وہ دونوں نے ادلے بدلے میں رشتہ کیا ہوا تھا تو وہ گاؤں ذرا دور ہے جس میں انہوں نے کیا ہوا تھا تو وہ جو اس کا بہنوئی ہے وہ یہاں ہمارے گاؤں میں اس کے پاس آیا ہوا تھا تو اپنی بیوی کی کون کا ہوگا جھگڑا تو اس لڑکے نے اسے گرا کر اس کے اوپر بیٹھ گیا چھری لے کر کہ تمہارا گلا کاٹتا ہوں یا میری بہن کو طلاق دو اس نے طلاق دے دی
जब तलाक हो गई तो फिर शोर पड़ गया, वो पिछलों तक भी बात गई, वो भाग कर अपने घर चला गया, फिर वो भी आ गए, तो सबसे पहले वो यहाँ मेरे पास आए कि इसने ज़बरदस्ती तलाक ले ली है, क्या ये तलाक हो गई या नहीं। मैंने कहा जी फतवा तो किसी मुफ्ती से लो, मसला मैं आपको बता देता हूँ कि तलाक मजाक में दी जाए, ज़बरदस्ती ली जाए, तलाक वाक़ हो जाती है। ज़बरदस्ती लेना जुर्म है, इसने गुनाह किया, उसका हिसाब अल्लाह को देगा, लेकिन तलाक होगी। और चूँकि तीन तलाक़ें हैं तो तलाक बायन हो गई, इसमें तो अब कोई वापसी का रास्ता भी नहीं। बतेरे सर पटके उन्होंने, मैंने कहा जी मसला शरी ये है, आगे आपकी मर्जी। तो पहले तो उनका झगड़ा चला, ये हमारी बच्ची को भी तलाक दें, अपना सामान ले आए, अपना ले जाते हैं, ये वो कुछ सफ़ेद पोश दरमियान में आ गए। ये बड़ी अजीब बात है कि किसी नेक काम में कोई सफ़ेद पोश साथ नहीं देता, लेकिन बुराई में बड़े सफ़ेद पोश निकल आते। तो उन्होंने कहा यार तुम ये मौली साहब के कहने पे रुक गए हो और इतना झगड़ा बढ़ा रहे हो, तो किसी और के पास भी चलो, कहीं और से भी पता करें। वो जेल में चले गए, वहाँ जो मौली साहब थे उन्होंने सारा वाक़ा सुना, तो उन्होंने कहा भाई तलाक तो हो गई। उनका जी ये तो हमें पहले पता है हो गई, कोई न होने की सूरत बताएं। तो जहाँ तक मुझे इल्म है गालबन फिर वो मौलवी साहब ने उन्हें कहा कि फिर तुम इस तरह बयान ना दो मैंने तलाक दे दी। कहो उसने कहा था मैं तलाक दे दूंगा, तो वो बयान बदलवा कर उन्होंने फतवा लिख दिया कि जी तलाक वाक़ नहीं हुई। वो फिर सेटल हो गया, वो मियाँ बीवी की तरह रह रहे हैं, लोगों के सामने भी फतवा आ गया, मौलवी साहब ने भी रुपए ले लिए। लेकिन क्या अल्लाह अल्लाह के रसूल के सामने ये सच है? तो फरमाया मुनाफिकीन की ये आदत है कि अल्लाह की कसमें उठाते हैं ताकि तुम लोगों को राजी रखें। वल्लाहु व रसूलुहु अहक्कु अन यरज़ूहु, अल्लाह और उसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़्यादा इस बात के हकदार हैं कि उन्हें राज़ी रखा जाए। अल्लाह की रज़ा चाहिए, कल अल्लाह के हुजूर पेश होना है, अल्लाह के सामने जवाबदेही होनी है। तो किसी ने चंद रुपयों की खातर हराम को हलाल लिख दिया और दूसरों को पता है ये हराम है, लोगों का मुंह बंद करने के लिए चंद सतरें लिखवा लाए और कह दिया जी ऐसा नहीं है। हमारे साथ यहाँ एक गांव है, वहाँ एक मौलवी साहब होते थे, अब भी हैं, बहुत ज़ईफ़ हो चुके हैं, कहीं पिंडी को मदरसा वदरसा बनाया हुआ है, बड़े सेक्रेटरी शेक्रेटरी और कोई अहदेदार मुरीद बनाए हुए हैं, मौज मेला कर रहे हैं। तो वहाँ भी एक वाक़या इस तरह का पेश आया, एक औरत को तलाक हो गई, तो बड़ा शोर मचा। उनके पास आए, उन्हें वाक़या बताया जिस तरह हुआ है, तलाक हो गई कि नहीं। उन्होंने कहा तुम चाहते क्या हो, तुम क्या चाहते हो, तलाक हो जाए, इलादगी हो जाए या ना हो? उनका जी वो घर उजड़ जाएगा, कोई बचने की सूरत हो तो। उन्होंने कहा फिर ऐसा करो जो मुझे बताए इस तरह न बताओ। उन्होंने समझाया कि बयान इस तरह से दो और फिर मैं फतवा नहीं देता, तुम बयान इस तरह दो, मैं लिख के सियाल शरीफ भेजता हूँ, तो अक्सर इलाका उनका मुरीद है, वहाँ से जवाब आ जाएगा कि तलाक नहीं हुई। अब वो जो सियाल शरीफ वालों ने जवाब दिया, उन्होंने तो सवाल का देना था जो मौलवी साहब ने लिख के भेजा, उनका तो उसमें कसूर नहीं, जिस तरह उन्होंने लिखा उसमें तो तलाक नहीं होती थी।
लेकिन अब जो मौलवी साहब लिख कर देने वाले थे वो तो जान रहे थे, और जो बयान देने वाले थे उनको ख़ुद भी पता था कि तलाक तो हो गई, लेकिन अब इसे ऐसे ही रखना है और लोगों का मुंह बंद हो जाए, लोग ये ना कहें कि ये तो हराम तो हराम ही रहता है, लोगों के सामने उस पर हलाल का लेबल लगा लें तो हराम को हलाल समझना या हलाल को हराम समझना ये कुफ्र है। और फिर दीन के मामले में धोखा देना कि लोग राज़ी रहें, खा अल्लाह की नाफरमानी हो रही है, तो ये उससे भी आगे बढ़ जाती है, मुनाफ़िकत है। तो फरमाया मुनाफ़िकों की एक निशानी ये है कि अल्लाह की कस्में उठाते हैं, या लफून बिल्लाह, शर्म अल्लाह करीम के सिवा किसी की कसम उठाना जायज़ नहीं है। ये जो हमारे यहाँ रिवाज है ना, तुम्हारी कसम मुझे औलाद की कसम, मुझे बेटों की कसम, मुझे तुम्हारे सर की कसम, ये वो, ये सब फजूल है। कसम से मुराद ये होती है कि जिसकी कसम मैं दे रहा हूँ वो भी मेरी नीयत, इरादे और इस फेल पे शाहिद है, गवाह है। और ये खासा सिर्फ ज़ाते बारी का है कि हर शख्स की नीयत पे भी गवाह है और हर काम पे भी गवाह है। तो कसम सिर्फ अल्लाह करीम की उठाई जानी चाहिए, और कसम से मुराद ये होता है कि जो कुछ मैं कह रहा हूँ और जो कुछ मेरे दिल में है ये सब सच कह रहा हूँ, इस पे अल्लाह करीम गवाह है। तो फिर ये कितना बड़ा जुल्म होगा कि बंदा झूठ बोल रहा हो और कह रहा हो मेरा अल्लाह गवाह है। बाज़ तो कसम की बजाय अल्फाज भी यही कह देते हैं कि अल्लाह गवाह है, ये बात इस तरह से है। कसम से भी मुराद यही है, इसीलिए अल्लाह करीम के अलावा किसी की कसम उठाना जायज़ नहीं, क्योंकि वही हर चीज़ पे हमा वक्त, ज़ाहिर व बातिन, दिली इरादों पे भी हर वक्त आगाह है। तो फरमाया ये कसमें उठाकर झूठ बोलते हैं ताकि मुसलमानों को राज़ी रखें, लोग इनकी बुराई से वाकिफ़ न हो जाएं, इनकी गलतकारी से वाकिफ़ न हो जाएं। फरमाया लोगों ने तो हिसाब नहीं लेना, ये तो अल्लाह का हक है कि उसे राज़ी रखा जाए। ज़्यादा हकदार हक को, बहुत ज़्यादा हकदार अल्लाह की ज़ात है कि उसकी रज़ामंदी का ख्याल रहे, और अल्लाह की रज़ामंदी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ामंदी में है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही वो वाहिद ज़रिया हैं जो अल्लाह की बात अल्लाह के बंदों तक पहुँचाते हैं। तो फरमाया वल्लाह व रसूलुहु अहक्कु अन युर्जूहु, अल्लाह और अल्लाह का रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात के ज़्यादा मुस्तहिक हैं कि उन्हें राज़ी रखा जाए, इन कानू मोमिनीन, अगर ये लोग ईमान रखते हैं। यानी ईमान का तकाजा ये है, गलती हो जाना बतकाजाए बशरियत, ये इतनी बड़ी बात नहीं, गलती किसी से भी हो सकती, लेकिन अमदन और इरादतन बुराई करना और उसे नेकी का जामा पहनाना, ये हमारे यहाँ सूदी कारोबार था ना, फिर ये मुकदमा गया शरीयत बेंच में, शरीयत कोर्ट ने उसे हराम करार दे दिया। तो खैर से मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत थी, मियाँ नवाज शरीफ साहब उसके खिलाफ अपील लेकर सुप्रीम कोर्ट में चले गए, वो अभी तक केस सुप्रीम कोर्ट में पड़ा है, वो नहीं हिला जुला। मियाँ साहब भी दो दफ़ा हुकूमत करके, दो दफ़ा बेनज़ीर भी करके, 10 साल परवेज मुशर्रफ भी कर गया, अब 5 साल होने को है अगली हुकूमत को भी, तो ये कोई 20 साल से वो केस फिर सुप्रीम कोर्ट में पड़ा है, फिर उसका कोई फैसला नहीं। किया क्या गया यार, लोगों ने कहा सूद का नाम मुनाफा रख दो, कि सूद के लफ्ज़ से लोग चिढ़ते हैं,
और लोगों को नागवार सा गुजरता है तो उसका नाम मुनाफा रख, यानी एक चीज़ शरण हराम है उसे हलाल करने के लिए चीज़ वही रहे नाम बदल दो, खनजीर का नाम दुम्बा रख दो और खाते रहो। तो ये है लोगों को राज़ी रखा जाए, अल्लाह अल्लाह के रसूल की नाफरमानी होती रहे तो इसे कुरान करीम मुनाफ़िकत करार दे रहा है कि मुनाफिक ऐसा ही करते हैं, अल्लाह की कसमें उठाते हैं कि हम सच्चे हैं, हम मुखलिस मुसलमान हैं, लेकिन होते नहीं। और लोगों को, मुसलमानों को खुश करने के लिए इस तरह के हेर फेर और ऐज पेज करते हैं, हालांकि अल्लाह और उसका रसूल ज़्यादा इस बात के मुस्तहिक हैं कि उन्हें रखा जाए, राज़ी रखा जाए, खुश रखा जाए। लेकिन ये अल्लाह अल्लाह के रसूल की रज़ा का चाहना ये तकाज़ाए ईमान है। इन कानू मोमिनीन, अगर ये मोमिन हो, अगर इनमें ईमान हो, फिर तो ये अल्लाह अल्लाह के रसूल की रज़ा तलाश करें, और जब ईमान ही नहीं है तो फिर ये माशरे को राज़ी रखना चाहते हैं, अल्लाह अल्लाह के रसूल की परवाह नहीं करते। तो इससे हमें बजाय दूसरों पर तनकीद करने के अपने अंदर झांकना चाहिए कि कहीं ये मर्ज़ मुझ में भी तो नहीं, मैं लोगों को दिखाने के लिए तो नहीं कुछ करता कि लोग राज़ी रहें, लोग मुझे अच्छा समझें, अल्लाह की नाफरमानी होती है तो होती रहे। तो ये चीज़ें अपने अंदर तलाश करनी चाहिए कि ये दारे दुनिया और इसकी ज़िंदगी, इसमें तौबा की मोहलत है, ज़िंदगी ख़त्म हो गई, तौबा का दरवाज़ा बंद हो गया, उसके बाद दारुल जज़ा शुरू हो जाता है, दारे अमल ख़त्म हो जाता है। फरमाया अलम यालमु अन्नहु मन युहादिदिल्लाह व रसूलहु, फरमाया इन्हें अलम यालमु, ये इतनी सी बात नहीं समझते, क्या ये नहीं जानते कि जो अल्लाह अल्लाह के रसूल का मुकाबला करेगा, मुकाबला क्या है, नाफरमानी करना और परवाह न करना कि इसका नतीजा क्या होगा, गलती हो जाना और बात है, बिल इरादा नाफरमानी करना और दीनी अहकाम की परवाह न करना ये दूसरी बात है। ये तो फिर अल्लाह अल्लाह के रसूल से या अल्लाह के दीन से मुकाबला हो गया ना कि मैं नहीं मानता। तो फरमाया ये इतनी सी बात नहीं समझ सकते कि जो अल्लाह और उसके रसूल के मुकाबिल आ जाता है और हरदर्मी करता है, मुकाबले पे आ जाता है कि मैं नहीं मानता, फ़िन्ना लहू नार जहन्नम, यकीनन उसके लिए दोज़ख की आग है, खालिदन फीहा, और उसमें हमेशा हमेशा रहेगा, ज़ालिकल खिज़्युल अज़ीम, और जहन्नम में खुलूद जो है हमेशा दोज़ख में रहना, इससे बड़ी किसी रसवाई का तसव्वुर नहीं किया जा सकता, ये बहुत बड़ी रसवाई है। तकाज़ाए ईमान तो ये है कि अल्लाह करीम की ज़ात ऐसी है कि बंदे को उसकी ज़ात पे कुर्बान होना चाहिए, लेकिन ये मकाम बहुत देर बाद आता है। बंदे के दिल में मार्फत इलाही का एक वो मायार जब आ जाए, अज़मत इलाही की अपनी हैसियत के मुताबिक कुछ पहचान नसीब हो जाए तो फिर ये ख्वाहिश पैदा होती है। लेकिन आसान रास्ता ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो औलाद आदम में से थे, इंसान थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
लेकिन आपका करम, आपका हुस्न अखलाक, आपकी हयात तय्यबा, एक ऐसी हस्ती जिसने बेसत से लेकर विसाल तक 23 बरसों में कयामत तक के हर सवाल का जवाब दे दिया कि इंसान अकीदा क्या रखे, अमल कैसे करे, हर छोटे से अमल से लेकर बड़े अमल तक, वो माशी मसाइल हों, वो सियासी मसाइल हों, वो तालीम के मसाइल हों, कोई शोबे ज़िंदगी हो, वो सुलह के हों, जंग के हों, वो फ़र्द के हों, घर के हों, शहर के हों, या कौम के हों, या बैनुल अक़वामी हों, दुनिया में इंसान मदनी उत्तबा है, मिलजुल कर रहना इसका मिजाज है, एक दूसरे का मोहताज होता है, इसे मदनी उत्तबा कहते हैं। जब से मामूरे आलम आबाद है, पहला इंसान जिसने ज़मीन पे कदम रखा वो अल्लाह का नबी था, उसने अपने अहद के लोगों को जीने के ढंग सिखाए। आदम अलैहिस्सलाम से बाद ईसा अलैहिस्सलाम तक जो हज़ारों बरस बीत गए, उनमें अल्लाह करीम अंबिया भी मबूस फरमाते रहे, और जिन लोगों ने नबी को नहीं माना वो भी अपना एक निज़ाम हयात बनाते रहे, एक सोसाइटी में कवायद ज़ाबते, ये होगा ये नहीं होगा, वो गलत था ये सही था, लेकिन ज़ाबते बनते रहे। एक बात पे आपको नज़र करनी चाहिए कि जितने नबी मबूस हुए उन्होंने भी जो ज़ाबते दिए, जो तर्ज़ हयात दिया, वो उस वक़्त उन लोगों के लिए हक था जिनकी तरफ वो मबूस हुए। जब उनका अहद तमाम हुआ तो कोई नया नबी जब मबूस हुआ, बाज़ औक़ात उसी का तसलसल चलता रहा, बाज़ औक़ात नया दीन आ गया, उसमें हिल्लत हुरमत आकाम शरीयत के बदल गए। चूँकि अकीदा एक रहता है, अमल बदलता रहता है। अकीदा अज़ किस्म ख़बर है, ये ख़बर है कि अल्लाह वाहिद है ला शरीक है, ये ख़बर है कि आख़िरत होगी, ये ख़बर है कि हिसाब किताब होगा, ये ख़बर है कि जहन्नम है जन्नत है, ये ख़बर है। खबरें दो नहीं होती, अगर दो खबरें हो जाएं तो एक सच्ची होती है, दूसरी सच्ची नहीं होती। लिहाजा अकीदा अज किस्म ख़बर है। अकीदा आदम अला नबी ना सलातम से लेकर हुजूर अकरम तक और आपकी बेसत से क़यामत तक एक ही रहेगा। अब रह गए आहकाम, क्या चीज़ हलाल है क्या हराम है, नमाज़ें दो पढ़नी है पांच पढ़नी है, उनमें रकत कितनी पढ़नी है, लेन देन कैसे कर, तो आहकाम मौके की मुनासिबत से बदलते रहते हैं। जैसे अब भी आहकाम में गुंजाइश है कि नमाज में क़याम फ़र्ज़ है, लेकिन जो शख्स खड़ा नहीं हो सकता वो बैठ के पढ़ ले, उसके लिए फ़र्ज़ नहीं है। जब नमाज फ़र्ज़ होती है तो वज़ू फ़र्ज़ हो जाता है, वज़ू बजाय ख़ुद फ़र्ज़ नहीं है, बावज़ू रहना इबादत है लेकिन बजाय ख़ुद वज़ू फ़र्ज़ नहीं है। जब नमाज का वक्त होता है, नमाज फ़र्ज़ होती है, तो नमाज के लिए वज़ू भी फ़र्ज़ हो जाता है, बिलवास्ता फ़र्ज़ होता है। हर वक़्त कपड़े पाक रखना ज़रूरी नहीं है, अच्छी बात है पाक, लेकिन जब नमाज का वक्त हो तो नमाज फ़र्ज़ होती है, तो फिर कपड़ों का पाक होना भी फ़र्ज़ हो जाता है। ये वो फ़राइज़ हैं जो बिलवास्ता आते हैं। लेकिन एक शख्स वज़ू नहीं कर सकता, बीमार है, या पानी इस्तेमाल करने से उसे अंदेशा है मज़ीद बीमारी के फैलने का, सेहत के बिगड़ने का, तो तयम्मुम कर ले। यानी अहकाम में तब्दीली की गुंजाइश रहती है, ख़बर में नहीं होती। तो जो लोग या तो नबी की ख़बर को रद्द करते हैं या अहकाम को,
तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि खबर तो सब अंबिया ने दी, लेकिन आकाम उस माशरे के लिए थे जिसके लिए वो मबूस हुआ, और जब उनका अहद नबूवत ख़त्म हो गया तो आकाम भी और नए आ गए, बदलते रहे। गैर मजहबी जो माशरे और सोसाइटियाँ थीं, उन्होंने भी कुछ ज़ाबते लेन देन के, रहन सहन के अपने कवानीन उसूल बनाए। एक बात आप याद रखें कि हर माशरे के उसूल उसके अपने लिए थे, दूसरे माशरे पर वो पूरे नहीं उतरते। दुनिया के बड़े बड़े ज़हीन लोगों ने और दुनियादारों ने भी कानून और अपने उसूल और माशरे के तरीके अपनाए, लेकिन अमेरिका का कानून बरतानिया में नहीं लगता, और बरतानिया का कानून यूरोप के दूसरे मुल्कों में नहीं लगता, और यूरोप का कानून बड़े सगीर पे नहीं लगता। हर मुल्क का अपना अपना है, एक का दूसरे के लिए मौजू ही नहीं है, मुमकिन ही नहीं है। ये वाहिद हस्ती है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसने मुख्तसर से अरसे 23 बरसों में ज़िंदगी के सारे असालीब दिए, जो द्रुए ज़मीन के हर शख्स के लिए बेहतरीन है और क़यामत तक कायम भी रहेंगे इंशाअल्लाह। यानी सिर्फ ज़ाते नबवी का ये एक पहलू देखा जाए तो इसी पर हज़ार बार कुर्बान होने को जी चाहता है कि ये कैसी अजीब हस्ती। यार कितनी अजीब बात है, एक खातून आती है हुज़ूर तशरीफ़ फरमाए, वह अपना मसला पेश कर दिया। अब हुज़ूर जो फरमाते वो उस एक खातून के लिए नहीं, क़यामत तक के लिए शरीयत बन जाती है पूरी इंसानी आबादी के लिए। सवाल एक फ़र्द का, एक बंदा आता है एक सवाल पेश करता है, हुज़ूर जवाब इरशाद फरमाते। सवाल वक्ती तौर पर एक बंदे का था, उसे एक मसला पेश था, लेकिन जो जवाब आया क़यामत तक की सारी इंसानियत के लिए रानुमा उसूल बन गया और कायदे शरी बन गया, और उसकी मुखालफत अल्लाह की नाफरमानी करार पाई। तो भला ऐसी हस्ती पर क्यों ना कुर्बान हुआ जाए। तो फरमाया इन्हें ये पता नहीं है, ये नहीं जानते कि जो अल्लाह अल्लाह के रसूल सल्लम का मुकाबला करता है, फ़इन्ना लहू नारा जहन्नम, यकीनन फिर उसके लिए दोज़ख की आग है, खालिदन फिया, उसमें हमेशा रहेगा। ज़ालिकल खिज़्युल अज़ीम, ये बहुत बड़ी ज़िल्लत है, इससे बड़ी किसी ज़िल्लत का तसव्वुर नहीं किया जा सकता। वाख़िरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिही मुहम्मदिन आलिही वसहबिही। अल्लाहुम्म रब्बना ला तक्तुलना बिगज़बिक वला तुहलिकना बिग़ज़ाबिक वाफ़ु अन्ना क़ब्ल ज़ालिक। अल्लाहुम्म रब्बना ला तुसल्लित अलैना मन ला यरहमना, अंत वलीयुना फ़ी सफ़रिना व हज़रना, फ़ी मालिना व अहलिना, अंत वलीयुना फ़िद दुनिया वल आख़िरा। توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين، اللهم ربنا وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خير من الأولى، وصلى الله تعالى على حبيبه محمد وعلى آله برحمتك يا رب। الله 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 الله। हज़रत अमीर मोहम्मद अकरम आवान मद्द ज़िल्लहुल आली दारुल इरफान मिनारा ज़िला चकवाल में सालहा साल से कुरान और हदीस के ऊपर खिताबात कर रहे हैं, और सिलसिला नक्शबंदिया उवैसिया के मुताबिक लोगों को जिक्र इलाही की तरबियत दे रहे हैं। वो कुरान पाक की तफसीर तरतीब वार बयान कर रहे हैं। तफसीर कुरान को वो मौजूदा मुल्की और बैनल अक्वामी हालात के मुताबिक बयान करते हैं। मोटरवे से कलर कहार के इंटरचेंज से निकलते हुए कलर कहार की झील से होते हुए म्यानी, बोछाल
और नूरपुर से गुजरते हुए दारुल इरफान मिनारा पहुंच सकते हैं। हजरत अमीर मोहम्मद अकरम आवान ने बच्चियों और बच्चों की दीनी और दुनियावी तालीम के लिए सिकारा एकेडमी के नाम से एक दरसगाह भी कायम की है, जिसका इफ्तिताह मुल्क पाकिस्तान के सदर जनरल मोहम्मद जियाउल हक ने अपने दस्ते मुबारक से किया था। वो तमाम अहबाब जो इस्लाम की तलब रखते हैं उनसे गुजारिश है कि दारुल इरफान मिनारा जिला चकवाल में अमीर मोहम्मद अकरम आवान साहब के खिताबात से मुस्तफीद हों। वो हर जुमे को नमाज से पहले बयान फरमाते हैं। हर माह की पहली इतवार को माहाना इज्तिमा होता है, जिसमें आप खुसूसी खिताब फरमाते हैं और पाकिस्तान के चारों सूबों से अहबाब इस इज्तिमा में शिरकत करते हैं। इसके अलावा यहाँ साल में दो मरकजी इज्तिमात भी होते हैं, एक रमज़ानुल मुबारक में एतिकाफ का इज्तिमा और दूसरा जुलाई और अगस्त में 40 दिन का इज्तिमा होता है, जिसमें रूहानी तरबियत की जाती है। अपना खून सीमाब देकर इतना हम कर जाएंगे, नाम आका का चमन में फिर रकम कर जाएंगे।